जय श्री महाकाल आदेश। तो शिवरात्रि पर्व पर महादेव का विशेष मंत्र जाप और उनकी एक विशेष तरीके से पूजा और साधक द्वारा अपने आप का शुद्धिकरण, इस पर आज चर्चा होगी। तो ये जो शिवरात्रि का पर्व है, इस दिन सृष्टि में ऐसी ऊर्जा का बहाव होता है जो हर व्यक्ति की ऊर्जा को ऊर्ध्वगामी बनाता है। तो शिवरात्रि पर हर साधक की जो काम ऊर्जा है वो ऊर्ध्वगामी हो जाती है। अगर वो व्यक्ति चाहे तो इस दिन विशेष लाभ ले सकता है। तो सबसे पहले क्या करना है कि सुबह से बेलपत्र मिल जाते हैं, क्योंकि शिवरात्रि पे विशेष रूप से हर व्यक्ति के यहाँ उपलब्ध होते हैं, वो महादेव को चढ़ाने के लिए रखता है। तो उन बेलपत्रों को, भगवान शिव के शिवलिंग को पहले जल से अभिषेक करें, और जल से अभिषेक करने के बाद फिर दूध से अभिषेक करें, दूध चढ़ाएं उनके ऊपर, फिर शहद चढ़ाएं, फिर घी चढ़ाएं, फिर उनका मालिश करें, मर्दन करें, और इसके बाद शुद्ध जल से उन्हें स्नान करा लें, के बाद विराजित करें। इस प्रक्रिया में पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहें, फिर उन्हें तिलक करें, और तिलक करने के बाद रोली चंदन से, चावल से, कोई कहते हैं चावल नहीं चढ़ाए जाते हैं, भगवान शिव को बिल्कुल चढ़ाए जाते हैं, आपसे पुराण में पढ़कर जानकारी ले सकते हैं, चावल चढ़ते हैं उनके ऊपर। तो चावल चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं, और अगर हो सके तो धतूरे के पुष्प आते हैं उन्हें चढ़ाएं, धतूरा चढ़ाएं, और इसके बाद उनके ऊपर बेलपत्र अर्पित करें। और बेलपत्र अर्पित करने के बाद साधक बेलपत्र को, तुलसी को, बेलपत्रो तुलसी, कोई बेल नहीं लेकिन फिर भी है, तो बेलपत्र तुलसी को महीन खिसे, जिसे उस पर जैसे चंदन घिसा जाता है ऐसे उसका एक लेपन तैयार करें, और उस लेपन से आपको कहां कहां तिलक लगाने हैं अपने शरीर पर। एक पहले तिलक लगाएंगे आप आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र के बाद दूसरा तिलक लगाएंगे आप विशुद्ध चक्र पर, यहां तीसरा तिलक लगाएंगे आप यहां अनाहत चक्र, जहां पसलियां जुड़ रही हैं, यहां पर सीने के जस्ट नीचे, और वहां जहां मुलायम स्थान है, जहां पसलियां जुड़ रही हो, एक जोड़ बनाती हैं वो ऐसे, वो जोड़ के नीचे वो तिलक लगाएं। और चौथा तिलक लगाएं मणिपूरक चक्र पर, चौथा तिलक लगाएं अब मणिपूरक चक्र पर। मणिपूरक चक्र है नाभि के थोड़ा नीचे, नाभि से तीन अंगुल नीचे, वहां ये तिलक लगाएं। और ये तिलक लगाने के बाद आप बैठकर सिद्धासन में, सिद्धासन कैसा होता है, पद्मासन अलग होता है, सिद्धासन अलग होता है। सिद्धासन होता है मूल बंध पे आपकी बाएं पैर की एड़ी रहे और उस पे आपका संपूर्ण वजन रहे शरीर का, और दूसरा पैर बाएं पैर की जंघा पे हो जाए, पहुंच जाए, ये है सिद्धासन। तो इस तरीके से ये सिद्धासन में बैठने के बाद आप फिर से यही जाप करें 108 माला, और जितना हो सके उतना करें, क्योंकि शिवरात्रि के दिन ही आप जितना कर सकते हैं उतना ही करें, और उससे लाभ भी होगा। तो इससे क्या है कि जो आपकी ऊर्जा है, जो काम ऊर्जा है, जिनको स्वप्न दोष होता है या जिनकी बार बार खुद की ही बात नहीं मानता है उनका शरीर, उन्होंने जैसे आदेश दे दिया बस अब ब्रह्मचर्य नहीं तोड़ना है, लेकिन किन्हीं कारणवश उन्हीं के द्वारा वो तोड़ा जाता है, तो ऐसी प्रक्रिया करने के बाद, ये प्रक्रिया वो हर सोमवार को भी कर सकते हैं, तो ये प्रक्रिया करने के बाद वो 108 माला जाप करने के बाद उन्हें विशेष लाभ प्राप्त होगा। वो स्वयं देखेंगे कि कितना लाभ हुआ इस प्रक्रिया से। मंत्र का जाप करें, पहले एक माला गणपति, एक माला गुरु मंत्र, एक माला बटुक भैरव मंत्र, फिर 108 माला ओम
हुम नमः शिवाय फट स्वाहा, ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा, ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा। एक अलग ही विलक्षण ऊर्जा आपको महसूस होगी। ये मंत्र बहुत अलग है और बहुत ज्यादा लाभदायक है। इस मंत्र का आप जप करें और इस मंत्र का जाप करने के बाद जैसे ये जो साधना बताई है ये कोई लगेगा ये खास नहीं है, लेकिन जो ये मंत्र है तो पंचाक्षर मंत्र का जाप करना है अभिषेक कराने में, ओम नमः शिवाय का जाप करना है बेलपत्र चढ़ाते हुए, फिर इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करते रहना है, फिर इसके बाद जब आप ये तिलक कर लें ठीक चारों चक्रों पर तुलसी और बेलपत्र की मिश्रण से उस पेस्ट से वो तिलक लगाने के बाद आप ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा इस मंत्र का 108 माला जाप कर लें तो ये विशेष लाभकारी है। तो शिवरात्रि के दिन ये उपाय करें और शिवरात्रि के दिन जो व्यक्ति व्रत रहते हैं ये बहुत अच्छी बात है, जो नहीं रह पाती हैं तब की कोई बात नहीं है, अपना रुद्राभिषेक करने के बाद महादेव का इस तरीके से अपना जाप कर लें। और जाप करने से ये मंत्र क्या है मैंने एक पिछले वीडियो में दिया था पूर्वाभास शक्ति साधना में, तो जो पूर्वाभास शक्ति साधना है जो पूर्व जन्म की शक्तियाँ हैं वो इसी मंत्र से खुलती हैं, लेकिन इनके थोड़े से विधान अलग हैं। तो जब पूर्व जन्म के लोग खुल सकते हैं जिस मंत्र से तो वो मंत्र अपने आप में बहुत शक्तिशाली है, बहुत तीक्ष्ण है, बहुत प्रचंड है। तो ये वो मंत्र था जिसका मैंने एक प्रयोग दिया था पूर्वाभास शक्ति साधना, वो 500 मार का था लेकिन लगातार 500 मार यानी 31-35 दिन के आसपास की थी वो साधना, लेकिन जिनकी शक्तियां लॉक लगे हुए हैं जिनकी शक्तियों पर वो उस साधना से अपने लॉक खोल सकते थे, अनलॉक कर सकते थे अपनी शक्तियों को पूर्व जन्म की या कई जन्मों। तो ये वो मंत्र है और ये मंत्र बहुत तीक्ष्ण है, महादेव का बड़ा गुप्त मंत्र है। ये मंत्र शिव पुराण में एक जगह उल्लेख हुआ है इस मंत्र के विषय में, वो बहुत सूक्ष्म तरीके से तो नजर से निकल जाता है। तो ये वहां मंत्र है और शिव पुराण में शिव पूजन विधि भी लिखी हुई है, शिव पूजन की सर्वोत्तम विधि का वर्णन दिया गया है, उस अनुरूप आप ध्यान और पूर्ण विधि एक हिसाब से महादेव का पूजन कर सकते हैं। तो शिव पुराण में रुद्र संहिता प्रथम सृष्टि खंड में आगे आप जब एक दो वो निकालेंगे तो उसमें है शिव पूजन वर्णन, तो वहां महादेव का पूरा पूजन के विधान लिखे हुए हैं, किस तरीके से पूजन करना है, कैसे स्तुति करनी है, किन श्लोकों से करनी है। तो इस तरीके से आप करें और इसका जाप करें और एक श्लोक है ओम नमः शिवाय सोमाय सगणाय ससून वे प्रधान गुरुशीर्षाय सर्ग स्थित अंत्य केतवे शक्ति विद्माय स्वभाव चापि सर्वगम स्वामित्वम च विभुत्वम च स्वभावम सोमप्रचक्षतेतम्यम विश्वकर्माणं शाश्वतं सेवाभ्यं महादेवं महात्मानं व्रजामि शरणं शिवम्। इस स्तुति से आप आवाहन करें और महादेव का ओम हुम नमः शिवाय फट स्वाहा इस मंत्र का जाप करें, इससे विशेष लाभ होगा और आपके आध्यात्मिक मार्ग प्रशस्त होंगे और महादेव की पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी और महादेव द्वारा आपको मार्गदर्शन मिलेगा वो चाहे किसी भी माध्यम से हो। तो बस शिवरात्रि पर आप ये साधना करिए और लाभान्वित होइए। आदेश जय श्री महाकाल।